आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में कई प्रोडक्ट्स पर आपको हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी आसमान छूती महंगाई के बीच में। महंगाई की मार आम जनता पर ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी गिर रही है। नहीं बिक रहा उनका सामान क्योंकि डिमांड मार्केट से गायब हो गई है। जानकार बताते हैं कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अब अपनी अनसोल्ड इन्वेंटरी बेचने के लिए अगस्त के महीने में लगने वाली बड़ी सेल से पहले ही 10% के शुरुआती डिस्काउंट से सेल लगाने वाली हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत ये अर्ली सेल लगेगी कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इन्फ्लेशन के यहाँ से कुछ प्रेशर दिख रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट स्लो हो गया है, तो उसका भी एक असर है कि मार्केट को थोड़ा एक्साइट करने के लिए ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जाएं। रूस यूक्रेन युद्ध और कई ग्लोबल इश्यूज की वजह से महंगाई की मार बिक्री पर पड़ रही है। मार्च क्वार्टर से स्मार्टफोन और टीवी की सेल गिरी तो मई से फ्रिज और एसी की। अर्ली सेल्स और डिस्काउंट से ब्रांड्स कंज्यूमर डिमांड मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, तो कई अपनी अनसोल्ड इन्वेंटरी नए लॉन्चेस और फेस्टिव सीजन के लिए क्लियर करना चाहते हैं। डिस्काउंट्स की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 4-5 महीनों में ये सारी कंपनियां काफी स्टॉक लेके आई हैं, काफी मॉडल जो लॉन्च हुए थे उनका काफी स्टॉक बढ़ा है मार्केट में, तो इसलिए वो स्टॉक लिक्विडेट करने के लिए और डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये तो आप हमें डिस्काउंटिंग और ये बाकी सेल्स ऑनलाइन में और थोड़ा ऑफलाइन में भी दिखेगी। स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और व्हाइट गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां इस साल सेल्स और ग्रोथ सिंगल डिजिट में देख रही हैं। बाजार में स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का सीजन इस साल पूरे साल चलेगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।